तो अभी इंडियन सिनेमा के इतिहास की दो बहुत बड़ी पिक्चर आने वाली है। पहला है कल की मूवी, दूसरा है रामायण मूवी। अगर सब कुछ सही रहा तो ये दो मूवीज अपने आप में यहाँ पे जो है 6-7 मूवीज के अंदर बट सकती है। मतलब अगर कल की अच्छी रही तो कल की भी 3 पार्ट, और रामायण अच्छी रही तो रामायण के भी यहाँ पे जो है 3 पार्ट अपने को देखने को मिलेंगे। बट ये क्वेश्चन नहीं है, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पे ये है कि अगर कल की का पहला पार्ट, रामायण का पहला पार्ट यहाँ पे जो है लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो क्या ये मूवीज यहाँ पे जो है आगे बनने की कोशिश करेगी? गाइस देखो, दोनों मूवीज के अंदर यहाँ पे जो है डायरेक्टर्स ने हमारे इमोशन के साथ डेफिनेटली यहाँ पे जो है खेलने की कोशिश की, बिकॉज दोनों ही मूवी यहाँ पे जो है हमको महाभारत एंड रामायण की बहुत सारी कहानियां जो होती है वो यहाँ पे बताने वाली है। आप देखो, जैसे कि आप लोगों को पता है, ये दोनों ही मूवीज हमारी यहाँ पे जो है, जैसे कि आप लोग कहते हो यहाँ पे हमारी जो माइथोलॉजी हो गई या फिर दोस्तों हिस्ट्री हो गई, जो भी आप लोग यहाँ पे जो है कहना पसंद करते हो, अगर ये दोनों ही मूवीज यहाँ पे जो है हमारे इमोशंस के साथ खेलना पसंद करती है, तो क्या हम लोग यहाँ पे जो है इस मूवी को बेनिफिट ऑफ डाउट देकर इसको यहाँ पे जो है छोड़ना पसंद करेंगे? रिसेंट टाइम में यहाँ पे जो है आदि पुरुष मूवी को बनाया गया था, जिसके अंदर गाइस हमारे इमोशंस के साथ यहाँ पे जो है ऐसे तरीके से खिलवाड़ किए गए ना जिसकी यहाँ पे कोई हद नहीं। रामायण का एक पूरा एक ऐसा अपने को स्वरूप देखने को मिला, जिसको देखने के बाद लोग बोल रहे थे कि भाई काश ये रामायण हमारे बच्चों तक ना पहुंचे, ताकि दोस्तों छोटे बच्चे हैं इस रामायण को देखने के बाद बिल्कुल भी इस वाले रामायण से इन्फ्लुएंस ना हो। और फिर भी अगर हम लोग यहाँ पे कहें तो ओम रावत को हमने उनकी की गई गलतियों को काफी इजीली यहाँ पे जो है माफ कर दिया, एंड गाइस भुला के हम लोग यहाँ पे जो है आगे जा चुके हैं। बट गाइस यही गलती अगर हम लोग यहाँ पे जो है दोबारा देखना पसंद करेंगे तो क्या हमारा रिएक्शन जो होता है बिल्कुल वैसा ही रहेगा? बिकॉज देखो, एक बार की गलती माफ की जा सकती है, बट दूसरी और तीसरी बार की गई गलतियां गलतियां नहीं होती, वो जान के की गई चीजें होती है। अभी हमारे साथ भी यहाँ पे जो है रामायण, एंड हमारे साथ भी यहाँ पे जो है होने वाला है कल की। अगर ये मूवीज भी यहाँ पे जो है हम लोगों को काइंड ऑफ वैसा ही कुछ याद दिलाती है जो हम लोगों ने यहाँ पे जो आदि पुरुष के अंदर देखा, तो क्या हमारी इंडियन ऑडियंस जो होती है उसको माफ कर पाएगी? बिकॉज ये सारी की सारी मूवी जो होती है ग्लोबल लेवल के ऊपर रिप्रेजेंट की जाएगी। अगर ये मूवी यहाँ पे जो है ग्लोबल लेवल के ऊपर आदि पुरुष जैसे रिप्रेजेंट करेगी, तो हमारा यहाँ पे जो इंडिया का नाम कैसा खराब होने वाला है? छोड़ो, ये यहाँ पे जो है सिर्फ इंडिया का नाम ही खराब नहीं कर रही है, बल्कि दोस्तों हमारी जो हिस्ट्री है, हमारी जो माइथोलॉजी है, जो आप लोग यहाँ पे जो है कहना पसंद कर सकते हो, उसको भी यहाँ पे जो है खराब करती है कि हमारा महाभारत और हमारा रामायण यहाँ पे जो है किस तरीके से यहाँ पे जो है शो किया जा रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता है कल की मूवी के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे जो है ऑलरेडी अश्वत्थामा का ग्लिम्स देख ही रखा है, जिससे हम लोग को यहाँ पे एक ऑलरेडी आइडिया पता चलता है कि हम लोग को यहाँ पे जो है महाभारत और रामायण के कुछ चीज यहाँ पे दिखाई जाएगी। रामायण मूवी के अंदर तो हम लोग को यहाँ पे जो है पूरी की पूरी रामायण तो देखने को मिलने वाली है। और इसी के साथ पिछली की गई आदि पुरुष जैसी गलतियों से भी मेकर्स यहाँ पे डरे हुए हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है रामायण के मेकर्स ने खुद यहाँ पे जो है श्री राम जी का, सीता जी का, एंड गाइस उनकी पूरी कास्ट का लुक को जान पूछ के यहाँ पे रिवील किया है, ताकि दोस्तों उन लोगों को यहाँ पे जो है इंडियन ऑडियंस यहाँ पे एक फीडबैक मिले कि अभी मूवी के अंदर जितने भी चेंजेस हों वो किए जा सके, बाद में यहाँ पे जो है कुछ चेंज नहीं हो सकता। आप लोगों को क्या लगता है कि ये सारी की सारी जो फोटोज अभी यहाँ पे जो है निकाली गई है वो लीक हुई है? ऐसा कुछ नहीं है। मेकर्स यहाँ पे जो है आप लोगों के सामने यहाँ पे जो है श्री राम जी का, माँ सीता का यहाँ पे जो है लुक रखा है, जिससे आप लोग यहाँ पे जो उनको फीडबैक दे सको। अगर आपका फीडबैक यहाँ पे जो है मोस्ट ऑफ द टाइम पॉजिटिव होगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है वो उस लुक को आगे लेकर जाएंगे। बिकॉज अभी तो आप लोगों ने यहाँ पे जो है किसी कैमरे के थ्रू देखा है, जब आप लोग यहाँ पे जो है मूवी के अंदर जाओगे तो वहां पर दोस्तों एक अलग तरीके से आप लोगों को दिखाया जाएगा, थोड़ा एनहांसमेंट जो होता है वो अपने को यहाँ पे देखने को मिलेगा। मेकर्स की यहाँ पे जो ऑलरेडी फटी पड़ी है, बिकॉज मेकर्स भी जानते हैं अगर उन्होंने यहाँ पे जो है थोड़ी बहुत भी गलती कर दी, थोड़ी बहुत भी हमारी हिस्ट्री के साथ यहाँ पे जो है खिलवाड़ कर दिया, तो उनको यहाँ पे जो इंडियन ऑडियंस का सामना करना पड़ेगा, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। एंड उसी के साथ अगर हम बात करें एक तरफा कल की के बारे में, तो गाइस कल की के टीजर ने काफी ज्यादा हाई होप जो होती है हमारे दिमाग में यहाँ पे जो है डाल दी है, बिकॉज उन्होंने यहाँ पे जो अपने प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ पे काफी ज्यादा फोकस किया है, काफी ज्यादा मेहनत की। एंड जैसे मैं सुनता आ रहा हूँ कि इस मूवी के ऊपर ऑलरेडी यहाँ पे जो है 10 साल से काम चल रहा है, तो उसके ऊपर डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे जो है विश्वास कर सकते हैं डायरेक्टर नागाश्विन के ऊपर। अब देखो, ये दोनों ही मूवीज यहाँ पे जो है मेगा बजट की मूवीज है। सब लोग कह रहे हैं कि दोनों मूवीज का पहले पार्ट का जो पूरा का पूरा यहाँ पे जो है बजट निकल कर आता है वो 600-600 करोड़ यहाँ पे होने वाला है। तो आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो पैसा यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा लगाया जा रहा है। आई होप कि वैसा ही अपने को यहाँ पे जो है कुछ देखने को मिले, जो लोगों के मन में, जो लोगों के दिमाग में, एंड गाइस ग्लोबल लेवल पे भी हम लोगों को यहाँ पे काफी अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सके। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, व्हाट इफ ये दोनों मूवीज यहाँ पे जो है फेल होती है तो आप लोगों का क्या रिएक्शन होगा? एंड दोनों मूवी अगर यहाँ पे जो है काफी अच्छी निकलती है ग्लोबल लेवल पे, हम लोगों को काफी अच्छा रिप्रेजेंट करती है, तो आप लोगों का रिएक्शन यहाँ पे क्या होने वाला है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इस तरीके और वीडियोस के लिए फटाफट जाओ, फटाफट जाके लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लो।